नेहा, स्वागत है आपका। हेलो, जी मैम। मैं हकीम साहब से ये जानना चाहती हूँ कि क्या यूनानी में भी कोई पेट के कीड़ों के लिए कोई दवाई होती है? जैसे हम एलोपैथिक में लेते हैं, तो क्या यूनानी में है बड़ों बच्चों के लिए? और बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब घर में जो हमारे बड़े हैं लेडीज एजेड हैं उनके भी, और जो हम मैं मेरे भी, तो बाल बहुत समस्या है, बहुत हल्के हो गए हैं बाल। और एक ये बता दीजिए, मेरे मतलब फादर को मदर को भी चक्कर की भी प्रॉब्लम है, चक्कर आता है, तो चक्कर की क्या मतलब लो और हाई बीपी दोनों को चक्कर आता है, और इसकी भी कोई दवा बता दें। थैंक यू। गुजाओं से भी इलाज होता है। एक दो नुस्खे मैं बता देता हूँ। ये अगर सीजन अभी तो नहीं है उसका, आड़ू आड़ू जो लोग खाते हैं वो कसरत से आड़ू खाएं तो पेट के कीड़े इससे मर जाते हैं और पेट ठीक रहने लगता है। इसके अलावा जो अनार हम खाते हैं, अक्सर हम छिलके तो फेंक ही देते हैं, तो अनार के छिलके को सुखा लें और इसका पाउडर बना लें और आधा चुटकी या एक चुटकी अपनी उम्र के मुताबिक शहद में मिला के खा लें। इससे भी हमारे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। और देखिए, चक्कर आजकल ज़्यादातर सर्वाइकल की वजह से आते हैं। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तब चक्कर आ सकते हैं, वरना नहीं आते। तो इस पर गौर करें। और एक एक्सरसाइज है ये देखिए, पूरा हमारा कान मोड़ने से लगे, देखिए ये 3 मिनट करें और 3 मिनट ये पूरी तरह, देखिए ये ठोड़ी यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक, और यहीं देखें ये भी 3 मिनट। अगर 10 से 15 दिन लगातार ये एक्सरसाइज की जाए तो चक्कर आने बंद हो जाते हैं बेशतर लोगों के। और क्या सवाल था? बीपी हाई और लो के बारे में भी जानना चाह रही थी। हाँ, बीपी हाई अगर है तो ये हमारे जो बीपी हाई होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल दिल पर दबाव होने की वजह से होता है, और कोलेस्ट्रॉल कम करने तो जीरे का सिरका आप दो दो चम्मच 2 बार 3 बार पी सकते हैं खाने के बाद। इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, दिल को तकवियत ताकत मिलती है। अगर दिल में कुछ कुछ अवरुद्ध हो गया, जैसे चर्बी वगैरह से ब्लॉकेज हो जाते हैं जगह जगह, और ब्लॉकेज होने का खतरा भी रहता है दिमाग में या दिल में, हार्ट ब्लॉकेज भी कहते हैं, तो उससे सुरक्षित आदमी रह सकता है। तो जीरे का सिरका आप दो दो चम्मच 2-3 बार आप ले सकते हैं खाने के बाद, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है। बाल झड़ने के लिए तो गौंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध, नारियल पानी से अपने हैसियत आप ले सकते हैं। नैन्सी, स्वागत है आपका। मेरी नातनी है 21 साल की, तो उसके सर के बाल गिर रहे हैं, गुच्छे गुच्छे से आ रहे हैं, बिल्कुल बाल ज्यादा गिर रहे हैं, गुच्छे जब वो कर दिए तो ऐसे हाथ में आते हैं गुच्छे जैसे। ठीक है, और कोई सवाल? और दूसरा है, मेरी उम्र तो पता ही है आपको, मैं 75 रन कर रहा हूँ, और ये जो गांठे हो रहे हैं ना उसका अभी कभी ठीक हो जा रहे हैं कभी, उसके लिए मैं जी क्या खाऊं? इसमें गांठे जरा और सिर में चारों तरफ के वो जैसे दाद दर्द जैसे हो रहे हैं, खुजली आती है तो गांठे होते हैं, फिर वो कुछ समय बाद फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन और खुजली जैसी होती है तो वो फिर वो खुद हो जाती है। और इसके लिए नाने के लिए जो बताएंगे क्या कुछ परहेज रहेज या कुछ ऐसा भी बता दीजिए। अच्छा देखिए, नातनी के लिए एक आता है गौंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें ये असली लेना ज़रूरी है, ये नकली बहुत मिलता है। गौंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम पानी के साथ, दूध के साथ या नारियल पानी के साथ, अगर आप रईस हैं तो नारियल पानी बहुत अच्छा काम करता है इसके साथ, रोज़ 1 बार 1 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद उन्हें पिलाया करें, बच्ची का अच्छा होना मुमकिन है। और ये जो गांठे हैं आपके लिए एक नुस्खा के
देखिए, खाने का सोडा आपके घर में होता है, जो किचन में यूज़ होता है, एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में डालें और एक चुटकी नमक जैतून, जैतून का नमक आता है ये असली लें, 2 गिलास पानी में एक एक चुटकी डालकर आप रोज़ाना एक बार पी लिया करें, आपकी इस रोग में फ़ायदा मुमकिन है।